हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिकन पकोड़ा बनाएंगे। मैं आप लोगों के लिए एकदम आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही जूसी, क्रिस्पी और टेस्टी आपके चिकन पकोड़े रेडी होंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर हम सबसे पहले हम चिकन लेंगे। चिकन ये मैंने आधी किलो चिकन लिया है और इसका जो बड़ा पीस है इसमें हम कट मार लेंगे। 4 से 5 कट मारेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा चिकन अंदर से भी आसानी से पक जाए फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने कट मार लिया है इसमें, और इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है फ्रेंड्स, और 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा बचा भी लिया है कहीं ज़्यादा तीखा ना हो जाए इसलिए। और ये धनिया पाउडर डाल दिया मैंने 1/2 चम्मच, और हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें मैंने 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच ही हम इसके अंदर काला नमक ऐड करेंगे फ्रेंड्स। नमक आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर ऐड। अब इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे फ्रेंड्स। अब इसमें हम रोस्टेड कसूरी मेथी डाल देंगे फ्रेंड्स 1/2 चम्मच। ये देखिए इसको मैंने भून कर डाला है क्रश करके, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे बाइंडिंग के लिए, और 1 चम्मच ही इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, और 2 चम्मच इसके अंदर हम दही डाल रहे हैं फ्रेंड्स। अब इन सभी चीज़ों को हम हाथों से मिला लेंगे फ्रेंड्स, हाथों से मिलाएंगे ताकि सही से मिल जाएगा, हाथों से चिकन में अच्छे से लग जाएगा हमारा सारा मसाला। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये सारा रेडी करना है हमें। ये हमारा अच्छे से इसमें मसाला लग गया है हर एक पीस में। अब इसके अंदर हम एक चीज़ और डालेंगे फ्रेंड्स, जो कि मैं भूल गई थी पहले, तो अब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे फ्रेंड्स। लहसुन अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पकौड़ों में, तो हम इसमें अच्छे से मिला देंगे और सारे चिकन के पीसेस में कोट कर देंगे अच्छी तरीके से फ्रेंड्स। ये हमारा सब कुछ मिल गया है अच्छे से। अब हमारा ये रख देंगे हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रेंड्स, कवर करके 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा ये रेडी है चिकन तलने के लिए फ्रेंड्स। अब हम गैस पर एक फ़ैन या कढ़ाई रखेंगे अपने चिकन पकौड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स, और इसके अंदर हम ये ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल भी ठीक से डालेंगे हम इसके अंदर, ताकि ये थोड़े थोड़े डूब जाएँ हमारे चिकन के पीसेस। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है डालना। पहले इसको हाई फ्लेम करेंगे और फिर लो फ्लेम पर कर देंगे, नहीं तो हमारा ये चिकन तले में चिपक जाएगा फ्रेंड्स। ओके, चिकन के पीसेस डालते वक्त सावधानी से डालें ताकि आपके हाथ पैरों पे ऑयल ना गिरे। ये हमारे एक तरफ से तल गए फ्रेंड्स। अब हम इन्हें पलट देंगे सबको आराम से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप देख रहे होंगे एक तरफ से ही इतना रेड कलर आया है इसका। बहुत ही अच्छे से तल गया है हमारा ये चिकन पकौड़े। अब ये दोनों तरफ से ही अच्छे से तल गए हैं फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया इनको तलते हुए। अब इन सभी को हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए सब चारों तरफ से अच्छे से तल गया ये, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इन्हें 5 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसको दोबारा से फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए एक टाइम फ्राई किया है, उसका कलर आ गया इनका, हमारे चिकन पकौड़ों का। अब इनको 5 मिनट रखने के बाद दोबारा से हम फ्राई करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, दोबारा से हम इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल देते हैं इन्हें। इससे क्या होगा कि ना ये हमारे चिकन पकोड़े एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे फ्रेंड्स, खाने में इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा करना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये हमारे दोबारा से भी तल गए हैं फ्रेंड्स, देखिए एकदम से क्रिस्पी भी हो गए हैं ये। अब हम इन्हें निकाल लेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये हमारे चिकन पकोड़े जल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे चिकन पकोड़े, ये देखने में भी इतने क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए
बहुत ही बढ़िया हो गया। गर्मा गर्मा इन्हें सर्व करें। तैयार रहेंगे खाने के लिए फ्रेंड्स। अब हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग आप मर्जी से कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इनको सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और चटनी आप हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए, या पुदीने की चटनी के साथ, या फिर रेड सॉस, सभी के साथ ही ये बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको चिकन पकौड़े। ये देखिए मैंने ग्रीन चटनी ली है और इसके साथ ऑनियन भी रख दिया है साथ में। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे पकौड़ों का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।